बुधवार को पर्वाधिराज पर्युषरण पर्व और दश लक्षण महापर्व में जैन मंदिर में 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में अहिंसा तीर्थ इटावा गौरवाचार्य श्री 108 प्रमुख सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है। सुबह काल श्री जी का अभिषेक और शांति धरा आचार्य के मुख बिंद कराए गए। इसके उत्तम संयम धर्म की पूजा संगीत के साथ की गई। आचार्य श्री ने बताया कि सुगंध दशमी का कल यानी दिन गुरुवार को बनाई जाएगी। इसका महत्व जिनागम में इस प्रकार आया कि एक राजा की रानी जिसने मुनिराज का अपमान किया था, फिर उसने मुनिराज की सेवा की तो राजकुमारी बनी, लेकिन उसने मुनिराज के ऊपर थूका, इस कारण उसके शरीर में से बदबू आने लगी। उनको सभी लोग दुर्गंधा नाम से चिढ़ाने लग गए। फिर उस गांव में मुनिराज पहुंचे, उन्होंने राजकुमारी के बारे में पूछा। सत कहा कि तब ने कहा कि पूर्व समय मुनिराज की निंदा की थी, इसलिए उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। अगर ये दुर्गंध दशमी का व्रत करेंगी तो इसके शरीर से दुर्गंध आना रुक जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। 10 साल के लिए दुर्गंध दशमी का व्रत रखा, शरीर से दुर्गंध आना बंद हो गई। इसलिए सुगंध दशमी महापर्व मनाया जाता है। सभी मंदिरों में लोग जाकर अग्निपात्र में धूप डालते हैं, जिससे उनका जीवन भी सुगंधित रहे। सायंकाल प्रतिक्रमण व श्री जी की आरती और गुरु भक्ति संगीत के साथ संपन्न है। रात में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चातुर्वास कमेटी के सभी पदाधिकारी और महिला मंडल मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर। ऐसा एक कथानक सुनने को मिलता है, जिनागम में आता है, पढ़ने को मिलता है। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के उपरांत भगवान महावीर के इस क्षेत्र में एक राजा हुए, उनकी रानी थी। रानी किसी मुनिराज को देखकर चिढ़ती थी। मुनिराज के ऊपर उसने थूक दिया, मुनिराज ने कुछ भी नहीं कहा। मुनिराज अपने साधना में चले गए, लेकिन उस रानी को ऐसा आयु का बंध हुआ कि वो मरकर बहुत बार गलत पड़े आ गई। गधी बनी, सुग्री बनी, कुत्ती बनी, ऐसे करते हुए जब एक राजा की पुत्री बनी, और राजा की पुत्री बनी तो उसका नाम रखा गया दुर्गंधा, क्योंकि उसके पूरे शरीर से दुर्गंध आती थी। सम्राट ने मुनिराज से पूछा, उन्होंने कहा इसने किसी मुनि की निंदा की थी, मुनि के ऊपर इसने थूक दिया था, उस कारण से इसे शरीर से गंध निकल रही है। अगर ये सुगंधी व्रत करेगी तो उसके जीवन में वो कर्म कट जाएगा। तो उसने सोलह दशमी का व्रत किया, भगवान की पूजा अभिषेक किया, मुनिराजों की सेवा की, तो आगे चल के वही राजकुमारी मदनावती नाम की राजकुमारी बनी और उसने अपना कल्याण किया। तो हमें यह पर्व ये सोलह दशमी इसलिए आता है कि हमारे अंदर जो कर्मों की गंदगी है उसे समाप्त करने के लिए हमें सुगंध दशमी व्रत करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में जाकर लोग धूप खेते हैं, क्योंकि धूप अष्टकर्मों को नाश करने में कारण है। इसलिए हमारे पाप कर्मों को, अशुभ कर्मों को समाप्त करने के लिए हम सुगंध दशमी पर्व मनाते हैं, और शीतलनाथ भगवान के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। सुगंध दशमी लोग घर घर जाकर, मंदिर मंदिर जाकर, घर घर से लोग धूप दशमी में दुखे। अरे महाराज जी, महिलाओं जो उपास शक्ति, इसका क्या महत्व है? महिलाएं इसीलिए कि जो दुर्गंधा नाम की स्त्री थी उसने मुनि का अपमान किया, तो महिलाएं उपास इसलिए करती है मेरी स्त्री प्राय का छेदन हो, हम संयम को धारण करके इस स्त्री प्राय से पार हो जाए, इसलिए महिलाएं उपास करती।